हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर टू के डीएससी 5 16 एंड 17 सेंचुरी ड्रामा का यूनिट 3 द रोवर बाय एफ्रा बेन। तो चलिए सबसे पहले अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। द रोवर की ऑथर है एफ्रा बेन। एफ्रा बेन एक इंग्लिश प्ले राइट है, पोएट है, प्रोज राइटर है और ट्रांसलेटर है फ्रॉम रेस्टोरेशन एरा। ये फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर है जिन्होंने अपने राइटिंग से पैसे कमाना शुरू किया था और ये एक इंस्पिरेशन बन गई थी आगे आने वाली जनरेशन के वुमेन्स के ऑथर्स के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं रोवर के कैरेक्टर्स को। द रोवर के अंदर ये सभी कैरेक्टर्स हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं विलमोर के बारे में। विलमोर एक अपर क्लास सोल्जर है जिसको कैवेलियर कहते हैं, और जो प्ले का टाइटल है द रोवर वो इसी के लिए बोला गया है क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, बट बिकॉज इसकी रोविंग आइज है, मतलब इसकी नज़रें इधर से उधर जाती रहती है एक वुमेन से दूसरी वुमेन की तरफ। हेलिना एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हीरोइन है इस स्टोरी की, और ये बहन है फ्लोरेंटा और डॉन पेड्रो की। हेलिना को बाद में विलमोर से प्यार हो जाता है। नेक्स्ट है एंजेलिका। एंजेलिका एक बहुत ही सुंदर और वेल्दी कर्टिसन है। एंजेलिका को सभी मेंस चाहते हैं नेपल्स के अंदर, जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग डॉन एंटोनियो, डॉन पेड्रो एंड विलमोर आल्सो। और साथ ही साथ ये एक प्रोस्टिट्यूट भी है, मतलब एक ऐसी वुमेन जो कि पैसे लेके आपके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाती है, और ये 1,000 क्राउन्स अ मंथ लेती है अपनी कंपनी के लिए। नेक्स्ट है फ्लोरेंडा। फ्लोरेंडा बहन है हेलिना की और डॉन पेड्रो की। फ्लोरेंडा एक बहुत ही मॉडर्स टाइप की लड़की है, और ये बाद में प्यार में पड़ जाती है बेलवाइल के। बेलवाइल भी एक कैवेलियर है और ये बचाता है फ्लोरेंडा के रेप होने से। फ्लोरेंडा के फादर ये चाहते हैं कि फ्लोरेंडा एक रिच और रिच से शादी करे जिसका नाम है डॉन वेंसेंटियो, लेकिन जो इसका भाई है डॉन पेड्रो वो चाहता है कि ये डॉन एंटोनियो से शादी करे जो कि इसका दोस्त है। बेलवाइल एक बहुत ही डैशिंग कैवेलियर है और एक जेंटलमैन है, और ये प्यार करता है फ्लोरेंडा से, बट ये बहुत ज़्यादा पुअर है। नेक्स्ट है डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो मेन एंटेगनिस्ट है पूरे प्ले का, पर इसका नेचर बहुत ही कंट्रोलिंग है। ये चाहता है अपनी बहन फ्लोरेंडा की शादी इसके दोस्त डॉन एंटोनियो से हो, और इसकी जो दूसरी बहन है हेलिना वो नन बन जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेडरिक। फ्रेडरिक एक इंग्लिश जेंटलमैन है जो कि अच्छा दोस्त है विलमोर का और बेलवाइल का। इसको वेलेरिया से प्यार हो जाता है, वेलेरिया जो कि फ्लोरेंडा और हेलिना की कज़न है। नेक्स्ट है ब्लंट। ब्लंट भी एक इंग्लिश मैन है फ्रेडरिक की तरह ही। ब्लंट एक बहुत ही बड़ा इडियट है और बस इसको इसीलिए दोस्त बना रखा है क्योंकि इसके पास पैसे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉन एंटोनियो। एक तरफ डॉन पेड्रो चाहता है कि डॉन एंटोनियो इसकी बहन फ्लोरेंडा से शादी करे, लेकिन दूसरी तरफ डॉन एंटोनियो की आंखें प्रोस्टिट्यूट हेली एंजेलिका पे है। इस कहानी के अंदर 5 एक्ट है। तो आइए सबसे पहले एक्ट नंबर 1 सीन 1 पढ़ते हैं। इसके अंदर ये कहानी शुरू होती है नेपल्स नाम की जगह से, जहाँ पे फ्लोरेंडा और हेलिना दो सिस्टर्स दिखाई जाती है बात करते हुए, और ये दोनों डॉन पेड्रो के केयर में रहती है क्योंकि जो इनके फादर है वो यहाँ पे नहीं रहते, वो रोम में रहते हैं। जैसे ही प्ले ओपन होता है तो दिखाया जाता है कि फ्लोरेंडा बहुत ही ट्रेडिशनल है और एक मॉडेस्ट नोबल वुमेन है। दूसरी तरफ हेलिना एक बहुत ही बोल्ड और एडवेंचरस लड़की है। फ्लोरेंडा को एक लड़का पसंद है बेलवाइन नाम का, लेकिन जो फ्लोरेंडा का भाई है डॉन पेड्रो वो चाहता है कि फ्लोरेंडा उसके दोस्त डॉन एंटोनियो से शादी करे जो कि यंग एंड हैंडसम है, लेकिन जो इनके फादर है वो चाहते हैं कि फ्लोरेंडा डॉन विंसेंटियो से शादी करे जो कि रिच है बट बहुत ही ज़्यादा एल्डर है। अब ये सुन के तो फ्लोरेंडा साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं डॉन विंसेंटियो से तो कभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि वो इतने ज़्यादा एल्डर है मुझसे, और वो अपने भाई को कहती है कि फादर से बात करने को। डॉन पेड्रो एक चीज़ नोटिस करता है कि डॉन पेड्रो जब भी बेलवाइल का नाम लेता है तो फ्लोरेंडा बहुत ही ब्लश करने लग जाती है,
जब हेलिना फ्लोरिंडा से पूछती है कि तुम्हें बेलवाइल कहाँ पे मिला, तो फ्लोरिंडा ये कहती है कि एक वॉर हुई थी स्पेन के अंदर, वहीं पे बेलवाइल उसको मिला था और उसने प्रोटेक्शन की थी डॉन पेड्रो की और फ्लोरिंडा की। वहीं जो डॉन पेड्रो है वो एक्नॉलेज करते हैं बेलवाइल की ब्रेवरी को, बट ये रिमाइंड करवाते हैं फ्लोरिंडा को कि डॉन विंसेंटो बहुत ही ज़्यादा रिच है और तुम्हें उन्हीं से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे फादर यही चाहते हैं। हेलिना बीच में आके ये बोलती है कि डॉन विंसेंटियो उसकी बहन को पैसे तो दे देंगे लेकिन बच्चा कभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। और हेलिना डॉन विंसेंटियो के डार्क कॉम्प्लेक्शन का भी मजाक उड़ाती है और उसको इंडियन कहती है। इसी पे डॉन पेड्रो उसको शांत होने को कहते हैं लेकिन हेलिना फिर भी शांत नहीं होती, वो कुछ ना कुछ बकवास करती रहती है। इसीलिए डॉन पेड्रो गुस्से में कैलिस जो कि इनकी गवर्नेस है वो ऑर्डर दे देता है कि हेलिना को लॉक कर दो रूम में और तब तक बाहर निकलने मत देना जब तक कार्निवल ख़त्म ना हो जाए। हेलिना बेग करती है कैलिस को कि उसको लॉक ना करे, उसको निकाल दे। बहुत प्लीज प्लीज करने के बाद कैलिस भी मान जाती है और उसको रूम से बाहर निकाल देती है। अब नेक्स्ट है एक्ट वन सीन टू। यहाँ पे बेलवाइल की एंट्री होती है, वो बहुत ज़्यादा सैड बैठा होता है और उसके साथ दो इंग्लिश जेंटलमैन भी होते हैं जो कि इसके दोस्त हैं। पहला है ब्लंट एंड दूसरा है फ्रेडरिक। ब्लंट और फ्रेडरिक को लगता है कि ये इसीलिए उदास है क्योंकि या तो इसको पैसे चाहिए या तो इसको वुमेन चाहिए। फ्रेडरिक और ब्लंट का ये मानना है कि नोबल वुमेन की केयर करना बिल्कुल ही बेकार है, बेवकूफ़ी का काम है क्योंकि वो चाहेंगी कि हम उनसे सेक्सुअल रिलेशन की बजाय पहले उनसे शादी करें और वो हमें मैरिज के बंधन में बांध सके। बेलवाइल बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे फ्लोरिंडा बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जब ये तीनों दोस्त बात कर रहे होते हैं तभी विलमोर की एंट्री होती है। बेलवाइल और फ्रेडरिक उसको एम्ब्रेस करते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या बिजनेस है नेपल्स के अंदर। उसके बाद विलमोर को ब्लंट से मिलवाते हैं। विलमोर कहता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में निकला था और यहाँ पे मैं कार्निवल को एंजॉय करने आया हूँ। जब इन सब की बातें चल रही होती है तब एक ग्रुप ऑफ मास्क लेडीज आती है। तीन लड़कियां आती है, फ्लोरिंडा, हेलिना और वेलेरिया, जिप्सीज बन के, मतलब बंजारन बन के। बंजारन मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं। हेलिना इमिडिएटली बेलवाइल को नोटिस करती है और उसको पॉइंट आउट करते हुए फ्लोरिंडा को दिखाती है। साथ ही साथ वो विलमोर को भी नोटिस करती है और उसको हैंडसम और हैंडसम कहती है। विलमोर हेलिना से जाके फ्लर्ट करने लग जाता है बट हेलिना कहती है कि मैं मेरे से फ्लर्ट मत करो, मैं नन बनने वाली हूँ। तो विलमोर ये कहता है कि नन वगैरह बनने में क्या ही रखा है, तुम्हें तो अभी वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेजर्स लेने बाकी हैं। फ्लोरिंडा अभी भी जिप्सी गर्ल बन के ही बेलवाइल से बात कर रही होती है और उसको कहती है कि उससे वो बेलवाइल उससे मिलने उसके गार्डन के गेट पर आए। इससे पहले कि बेलवाइल कुछ क्वेश्चन पूछे उससे, डॉन पेड्रो वहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए फ्लोरिंडा बेलवाइल को थोड़ी अपने से दूर कर देती है बट उसको एक लेटर दे देती है। दूसरी तरफ विल्मोर और हेलिना भी प्लान बना लेते हैं एक दूसरे से मिलने का इवनिंग के समय। लेटर में फ्लोरिंडा की राइटिंग पढ़ के बेलवाइल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को कहता है कि मेरी मदद करो फ्लोरिंडा को वापस पाने में। दूसरी तरफ ब्लंट का अलग ही चल रहा है, वो अपनी लवर लुसिटा के साथ चले जाता है। जब विलमोर पूछता है कि ब्लंट कैसा आदमी है तो बेलवाइल और फ्रेडरिक बताते हैं कि ब्लंट को उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए रख रखा है। फ्रेडरिक विलमोर को ब्यूटीफुल एंजेलिका के बारे में बताता है और बताता है कि सारे जितने भी मेंस हैं नेपल्स के वो सभी एंजेलिका को चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोस्टिट्यूट है, बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। पैसे की बात सुन के विलमोर थोड़ा डिसइंटरेस्ट शो करता है लेकिन फिर भी वो चाहता है उसको देखना। अब नेक्स्ट है एक्ट टू सीन वन। बेलवाइल, फ्रेडरिक एंड विलमोर आते हैं स्ट्रीट पे एंजेलिका को देखने के लिए। बेलवाइल और फ्रेडरिक ने तो मास्क लगा रखा है लेकिन विलमोर ने नहीं लगा रखा। जब विलमोर उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मास्क क्यों लगा रखा है तो बेलवाइल ये रिप्लाई करता है कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं अभी उनको छुपाने के लिए। वो लोग एंजेलिका के घर के पास आते हैं। बेलवाइल ये नोट करता है कि एंजेलिका का पोर्ट्रेट बाहर नहीं लगा हुआ लेकिन विलमोर चाहता है उस पोर्ट्रेट को देखना क्योंकि ताकि वो उसकी ब्यूटी को देख सके फ्री में।
ब्लंट नेपल्स वापस चले जाता है अपने मिस्ट्रेस के क्लोज जाने के लिए, यानी लुसिटा के पास चले जाता है वो। और वो उनको एक ब्रेसलेट भी दिखाता है जो कि उसको लुसिटा ने दिया होता है जब ब्लंट ने उसे डायमंड दिया था उसके बदले। और वो कहता है कि आज की रात वो लुसिटा के साथ गुजारने वाला है। फ्रेडरिक वॉर्न करता है ब्लंट को कि अपने पर्स को संभाल के रखे क्योंकि उसको लुसिटा एक प्रॉस्टिट्यूट लगती है। लेकिन ब्लंट बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रॉस्टिट्यूट है क्योंकि उसके कितने अच्छे कपड़े पहनती है वो और उसका कितना अच्छा घर है। दो सर्वेंट आते हैं वहाँ पे जिनका नाम होता है ब्रेवोस। वो तीन पिक्चर लगाते हैं एंजेलिका की। पिक्चर के नीचे प्राइस भी लिखा होता है क्योंकि एंजेलिका एक प्रॉस्टिट्यूट है तो प्राइस तो होगा ही। विलमोर अपनी पॉवर्टी पे रोता है कि इस गरीबी की वजह से ही वो एंजेलिका को नहीं पा पा रहा है। फिर एंजेलिका खुद ब खुद उसकी बालकनी में आती है। वहाँ पे डॉन पेड्रो एंड डॉन एंटोनियो भी आते हैं और वो एंजेलिका के पिक्चर के पास जाते हैं और उसकी ब्यूटी को प्रेस करते हैं। डॉन एंटोनियो एंड डॉन पेड्रो दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बट बाद में पेड्रो पहचान लेता है एंटोनियो को। लोगों की अटेंशन पाने के लिए वहाँ पे एंजेलिका एक लव सॉन्ग चला देती है। वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो अपना मास्क हटा के उसको फ्लाइंग किस देने लग जाता है और बोलता है कि वो उसको 1000 पाउंड देगा। इसमें गुस्सा हो जाता है पेड्रो और बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी दे दूंगा 1000 पाउंड्स। और यहीं पे इन दोनों मेन की लड़ाई हो जाती है और ये दोनों लड़ाई करने का फैसला करते हैं। उनका ये डिसाइड होता है कि ये नेक्स्ट डे डुएल करेंगे यानी लड़ाई करेंगे पब्लिक स्क्वायर नाम की जगह में जिसको मोलो भी कहते हैं। विलमोर एक पिक्चर खींचने लग जाता है एंजेलिका की नीचे की तरफ, बट एंटोनियो को लगता है कि ये तो एक एंजेलिका की इंसल्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसको धमकी देने लगता है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन विलमोर भी जिद्दी है, वो कहता है मैं तो करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। एंटोनियो अपनी तलवार निकाल लेता है। वहाँ पे विलमोर के साथी भी आ जाते हैं एंटोनियो से लड़ने के लिए। फाइट में विलमोर जीत जाता है और एंजेलिका उसको अंदर बुलाती है घर के अंदर। बेलवाइल और फ्रेडरिक उसको मना करते हैं कि तुम अंदर मत जाओ, लेकिन वो फिर भी जाता है। अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है एक्ट नंबर 2 सीन 2। घर के अंदर एंजेलिका उससे पूछती है कि तुमने मेरी पिक्चर क्यों हटाई वहां से। तो विलमोर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पिक्चर को बाहर लगाने की। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बाय कर सकूं, इसीलिए मैं बस तुम्हारी ब्यूटी को देखने के लिए वो पिक्चर ले रहा था। विलमोर कहता है क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा समय मिल सकता है। तो मोरेटा जो कि उसकी सर्वेंट है एंजेलिका की, वो मना कर देती है। वो कहती है कि या तो तुम्हें कुछ समय नहीं मिलेगा या तो तुम्हें पूरा समय मिलेगा अगर तुम पे करते हो तो। लेकिन लड़ाई लड़ाई में एंजेलिका को प्यार हो जाता है विलमोर से, लेकिन वो उसको पुअर कहती है। विलमोर कहता है कि हाँ ठीक है मैं पुअर हूँ लेकिन मैं एक जेंटलमैन हूँ, और बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है अगर कोई लव के ऊपर प्राइज लगाए। एट लास्ट वो उसको होल्ड करता है एंड उसको अपनी तरफ खींचता है। एंजेलिका को उसके वर्ड्स दिल को छू जाते हैं और उसको प्यार हो जाता है और ज़्यादा विलमोर से। मोरेटा अपने मिस्ट्रेस के इमोशंस को देखती है और उसको और वो विलमोर को दोबारा से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिका मोरेटा को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। एंजेलिका विलमोर से कहती है कि तुम मुझसे बात करना बंद कर दो, और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार हो जाएगा। ये होने के बाद वो लोग आपस में कर भी लेते हैं जो भी उन्हें करना होता है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जैसे हेलिना चाहती है कि विलमोर उससे पहले शादी करे उसके बाद ही सेक्सुअल चीज़ें करे, लेकिन दूसरी तरफ एंजेलिका उसके प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि वो उसको चार्ज किए बिना ही फ्री में ही उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गई। सो यहाँ पे हमारा Act 2 ख़त्म होता है। Act नंबर 3, 4, 5 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि इसका Part 2 होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।